क्या हो रहा है? मासूम, मंजीरी ना हमारे लिए फाफड़ा और जलेबियां बना रही है। इतना सब कुछ इसने खुद बनाया? आई डाउट इट, कुछ तो चक्कर है। अरे बेटा मेरी बात, जरूर इसने बाहर से ऑर्डर किया है। अरे मासूम बेन, अभी जाओ, मैं समझ गई। आपको इसकी खुशबू यहाँ खींच लाई है ना, अब बस मुझे थोड़ी देर और दो, फिर मैं सबको एक साथ परोसती हूँ। What is this, बेन? बेन, मासूम नाम है मेरा, okay? अरे बेन मतलब बहन, अब प्यार से, इज्जत से। अब पर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, आप ले सब। Whatever. एक मिनट। अरे 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 गुदगुदी क्यों कर रही हो? क्या हो गया? कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मैं वो पैकेट्स और रैपर्स ढूंढ रही हूँ जिनमें ये फाफड़ा और जलेबी की डिलीवरी हुई होगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम अकेले बनाओगी ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कहाँ रखे रैपर्स पैकेट्स? ये जलेबी फाफड़ा सब इसी ने बनाया, हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ मासूम बेन, अब तो मान जाओ कि ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। इम्पॉसिबल, इतना सब कुछ इतनी जल्दी तुम कैसे बना सकती हो? अरे मासूम बेन, आप मुझे 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे में तो मैं पूरी बारात का खाना तैयार कर दूं, वो भी ऐसे चुटकी बजा के। और वैसे भी रिश्ते हो या खाना, मंजरी को ना खुद ही बनाना पसंद है। थोड़ी मोटी ऊंची बात हो गई, आपको समझ नहीं आएगी। आप ना मुझे टेस्ट करके बताओ कि बना कैसा है। हाँ What? इतने बड़े ब्लास्ट के बाद मीत वापस? No, not possible. मैं खुद भी यही सोचकर हैरान थी कि कैसे। कहीं हॉस्पिटल वाली बात तो पता नहीं चल रही? हॉस्पिटल में ऊपर से नीचे तक पूरे स्टाफ को मैंने पैसे खिलाए थे। इम्पॉसिबल है कि किसी ने बात लीक की हो। क्या नाम है उसका? मंजरी। अगर ये लड़की मीत हुड्डा हुई तो ये बात हमें जल्द से जल्द पता लगानी होगी। ये मीत भाभी हो ही नहीं सकती, स्पेशली आज जो इसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आई स्वेयर, मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतना टेस्टी जलेबी और फाफड़ा नहीं खाया। कोई पूरी कोशिश भी कर ले ना, तो भी एक साल में इतना अच्छा खाना बनाना नहीं सीख सकता। इस लड़की में जो टैलेंट है, इट्स एन आर्ट, जो मीत भाभी में बिल्कुल जीरो था। एक्सक्यूज मी मासूम दीदी, कल रात को तो आप पूरे यकीन के साथ कह रहे थे कि ये लड़की मीत हुड्डा है, अब क्या हो गया आपको? हाँ, वो सडनली मेरे सामने आ गई थी तो मुझे लगा शायद मीत भाभी है, लेकिन नाउ ऑन सेकेंड थॉट्स आई थिंक ये मीत भाभी नहीं है, शी कुड बी मंजरी। आफ्टरऑल मीत भाभी ने तो अपनी खुद की रसोई में वो हलवा भी बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया था। वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ मासूम दीदी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये लड़की ना मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक नंबर की जुगाड़ू लड़की है, तो इसे हमें वेरीफाई करने में ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अभी अभी आपने क्या कहा कि उस लड़की ने अपनी पहली रसोई पे हलवा बाहर से मंगवाया था, तो क्या गारंटी है कि उसने जलेबी फाफड़ा भी बाहर से ना ऑर्डर किया हो? तो मासूम दीदी, रीजन चाहे कोई भी हो, पर ये लड़की अहलावत हाउस में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है और वहाँ के लोगों के दिलों में जो ऑलरेडी जगह बनी हुई थी ना, वो फिर से जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट क्या किया उसने, हाँ, 2 कौड़ी की जलेबी फाफड़ा से आपको भी इम्प्रेस कर दिया।